क्या उन तक ये जानकारियां पहुंचा रहा था इनसे लेकर या नहीं, ये देश सवाल पूछ रहा है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, देश के गृह मंत्री के पीछे लश्करे तैयबा का आतंकी खड़ा है तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं हम नेता हैं, भीड़ में जाते हैं, जनसभा करते हैं, लोग तस्वीर खींचते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं भी चुनाव लड़ी, जीती, विधायक रही, बहुत लोग भीड़ में आते हैं, तस्वीर खिलाते हैं, खिंचाते हैं, पर देश के गृह मंत्री के करीब कौन पहुंच रहा है, उसके कार्यालय कौन पहुंच रहा है, उनके दफ्तर कौन पहुंच रहा है, घर, सबकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग रखता है, तब उनकी पहुंच यहां तक होती है। यूं ही नहीं होती, वो भाजपा आईटी सेल का है और ये अभी ये चेहरे हैं जो पकड़े गए हैं। उदयपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी भाजपा के कनेक्शन मैंने फिर आपको दिखाए हैं। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकी दोनों, ये सेना का जवान खड़ा है, ये वही है भाजपा का आईटी सेल का अध्यक्ष जिसकी तस्वीरें अमित शाह जी के साथ, ये वाली आप देखिए, ये जरूर तस्वीरें आपको मैं कहूंगी, हिम्मत दिखाइएगा, हो सकता है मेरी प्रेस वार्ता के बाद आप पत्रकार साथियों के ऊपर भी दबाव बनाया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता ने दिल्ली से आकर झारखंड में जो खुलासे किए, जो तस्वीरें रखी हैं, उसे आपको दिखाना नहीं है, आपको चलाना नहीं, हो सकता है आपको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, और हो सकता है आप ये तस्वीर भी ना छापे, पर मुझे लगता है पत्रकार की देशभक्ति को ललकारा जाएगा, उसकी ईमानदारी से चलती कलम को रोकने की कोशिश होगी, और अगर ये सच्चाई देश के साथ नहीं आती, आपकी कलम, आपके कैमरे, ये तस्वीरों को जाने से रोका जाएगा, तो मुझे लगता है इम्तिहान सरहद पे खड़े मात्र अब उस जवान का ही नहीं है देशभक्ति का इम्तिहान, अब देशभक्ति का इम्तिहान इस देश के हर एक शख्स का, पत्रकार का भी है कि उसकी कलम झुकती है या उसकी कलम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा आधिकारिक रूप से तस्वीरें जाहिर करके सवाल जो पूछे गए हैं लोकतंत्र में, उन सवालों के जवाब आप उनसे मांगे कि हमने ये सवाल खड़े किए हैं। ये फिर वही तस्वीरें, कन्हैया लाल का हत्यारा भाजपा की सदस्यता लेता हुआ, जम्मू कश्मीर का आतंकी भाजपा का आईटी सेल का हेड आतंकी भाजपा की जम्मू कश्मीर में सदस्यता लेता हुआ, ये आपको मैंने दो खुलासे बताए, मैंने आपको सात बताए। और ये देखिएगा, तालिब शाह आईटी सेल का जम्मू कश्मीर का हेड जो आतंकी पकड़ा गया है, जिसकी अमित शाह जी देश के गृह मंत्री के साथ निजी संबंध और तस्वीरें हैं, वो प्रचार कर रहा है भाजपा के नेताओं का, वो मुबारकबाद दे रहा है श्री अविनाश राय खन्ना, बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, बीजेपी के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत पर वो उनके साथ प्रचार करता है और उन्हें बधाई देने का ट्वीट करता है, और भाजपा की सरकार की खुफिया विभाग को पता ही नहीं, ये तो आतंकी है, ये तो हथियार ले रहा है, सूचनाएं जानकारियां बाहर पहुंचा रहा है। अब मैं आती हूं महाराष्ट्र के अमरावती में, ये तीसरी घटना, यहां पर भी एक खुलासा है, मीडिया रिपोर्ट से पता लगा कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रेंच एलिमेंट जो अभी भगोड़ी है, भागी हुई है, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रही है, कहां है किसी को नहीं पता है, जिन्होंने इनकी सच्चाई सामने लाने का काम किया वो सारे ईमानदार, सच्चे, देशभक्त, पत्रकार पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल भेजे गए, लेकिन जिन्होंने ये देश में आग लगाने की काम की वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। मीडिया में खुलासा होता है कि अमरावती महाराष्ट्र में भी केमिस्ट उमेश कोले की हत्या कर दी जाती है महाराष्ट्र में। खबर सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय सत्ता को गिराने का एक षड्यंत्र खेल चल रहा था, इसलिए प्राथमिकता पर उमेश कोले की हत्या नहीं थी, प्राथमिकता पे सरकार बनाना था और एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराना था। जब काम हो गया तो अब बोला कि चलिए अब महाराष्ट्र के कोला, महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या को भी अब राजनीतिक सांप्रदायिक रंग देकर धार्मिक उन्माद करते हैं। और इसमें सबसे पहले आगे दिखी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जिनको अभी धार्मिक धर्म को राजनीतिक हथकंडा बनाकर देश में जो धार्मिक उन्माद करना चाहती थी पति पत्नी की जोड़ी, उन्हें जेल भेजा गया। बाहर आते ही उन्होंने इस मामले को उठाया कि अमरावती में उमेश कोले की हत्या जिसने की है उसका नाम है इरफान खान। जब पता लगा ये इरफान खान ने हत्या की है, हमने मांग की कि महाराष्ट्र में भाजपा की अब सरकार है शिवसेना के साथ, जो दल अलग हुआ है,
हम मांग करते हैं उदयपुर राजस्थान की तर्ज पर इन्हें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए। लेकिन पता लगता है एक राष्ट्रीय चैनल है, आप कहेंगे तो मैं नाम लूंगी नहीं, तो एक राष्ट्रीय चैनल ने खुलासा किया है कि ये जो अमरावती की हत्या हुई है उसका मास्टरमाइंड इरफान खान के निजी संबंध है, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक मतलब आना जाना है, किसके साथ है, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के साथ। राणा दंपति का बीजेपी से नाता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।